बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल राजधानी पटना में हुंकार भरी है। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार, लालू और उनके परिवार पर जमकर हमला बोला। नीतीश पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हम लोग किसी को भी कंधे पर बिठाना छोड़ चुके हैं। विशुद्ध तौर पर बीजेपी की सरकार 2025 में बनेगी। 2024 में बीजेपी को बिहार से 40 सीट पर जीत दर्ज करेगी। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के समय की बात को याद करते हुए कहा कि मुझे याद है कि कदम कुआं में मैं जयप्रकाश नारायण के घर के आसपास कभी ना कभी किसी ना किसी बहाने आया करता था। सुशील मोदी, रविशंकर, राजेंद्र गुप्ता, अश्वरी चौबे, ये सब लोग उन दिनों जयप्रकाश नारायण के साहित्य में आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उस समय लालू और नीतीश भी कदम कुआ के चक्कर लगाया करते थे। ये लोग कहां से चले थे और सत्ता सुख के लिए समझौता करने वाले इन लोगों की राजनीतिक विचारधारा कहां से चली गई और कहां पहुंच गए? संपूर्ण क्रांति और सामाजिक न्याय से निकलकर ये कहां पहुंच गए, ये अभी हम सब लोगों ने देखा। पहले सुनिए क्या कुछ जेपी नड्डा ने कहा। मुझे बहुत अच्छा लगा सम्राट जी का एक वक्तव्य। उन्होंने कहा अब हम कंधे पर बैठाना छोड़ चुके। मैं उनकी बात को याद रखूंगा। समय आ गया है कि अब अपने कंधे मजबूत होकर के 2024 में संपूर्णता से हम चुनाव जीते और 2025 में को अपना कंधे पर और अपनी मजबूती पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए, इसके लिए हम काम करें। वहीं इस बयान पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, आपको सुनवाते हैं। 2005 में किसके कंधे पर बैठे थे? 2010 में 115 सीट जनता दल यू का आया था, तो हमारे कंधे पर बैठ कर करके सीट सत्ता में आए। और आदरणीय जेपी नड्डा साहब, श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी के लिए क्या किया? कोई घोषणा नहीं। और आपने कहा कि एम्स पटना, जो एम्स पटना आर्या कमेटी की रिपोर्ट आ गई, एमएससी जूलॉजी एंड पीएचडी जूलॉजी वाले को आपने पैथोलॉजी का हेड बना दिया, कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। आखिर ये क्या हो रहा है? एम्स के में नियुक्ति के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, आज भी वो लोग कायम है और केंद्र की मोदी सरकार और आप भी स्वास्थ्य मंत्री रहे, कुंडली मार करके बैठे रहे, ये कौन लोग हैं? बिहार की जनता और देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपने कांधे का बोझ समर करके उनको बीग दिया है। भारतीय जनता पार्टी खुद बिहार में एक बोझ है, जो हल्का छिटफुट अस्तित्व देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो अस्तित्व किसी के सहारे के कारण है। 24 में खाता नहीं खुलेगी, देश से 24 से विदा भी होनी है और 25 की बात करने चले हैं। अरे गांव में कहीं भाजपा है जी? भाजपा का मतलब होता है बेरोजगारी, भाजपा का मतलब होता है महंगाई, भाजपा का मतलब होता है तानाशाह, भाजपा का मतलब होता है कानून से के साथ खिलवाड़। भाजपा को कौन स्वीकार करेगा? जेपी नड्डा का हमला क्षेत्रीय दलों पे था। कुल मिला के उनका कहना का था कि क्षेत्रीय दलों को हम सिर पे नहीं बिठाएगा, अर्थात वह चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, या इधर उधर के परिस्थिति में थे मुकेश सहनी जी, इन लोगों का न कोई महत्व है और न कोई औचित्य है और न इनको कोई सीट मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2024 में हम 40 के 40 सीट जीतेंगे, यानी कि 40 सीट भाजपा लड़ेगी। तो फिर चिराग पासवान जी को क्या मिलेगा, पारस जी को क्या मिलेगा, मांझी जी को क्या मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी को क्या मिलेगा? उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इन चारों नेताओं को एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। मैं माननीय जेपी नड्डा जी से बिल्कुल सहमत हूं कि अब उन्होंने किसी को भी अपने जो पलट के कभी इस पार्टी में पलट के कभी उस पार्टी में जाते हैं, उनके लिए सारे रास्तों को बंद कर दिया है। इन्होंने बिल्कुल सही किया है। और नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव जी हो, अब उन्हें ये समझ जाना चाहिए कि 2024 में 40 की 40 सीटें जो है वो बीजेपी एनडीए अलायंस लेकर के आएगी, और साथ ही साथ 2025 में भी बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी और इसमें कोई शक नहीं है।
तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, देखिए सीधे तौर पर कहा जाए तो बीजेपी का जो फोकस है अभी कहीं ना कहीं बिहार पे है, और यही वजह है कि जेपी नड्डा ने जिस तरीके से हुंकार भरी है, कहा जा सकता है कि सियासी पारा बिहार का गर्म हो चुका है। देखिए, सियासी पारा जो है बिहार का गर्म हो चुका है, और बीजेपी ये जानती है कि उत्तर प्रदेश और बिहार से ही ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिलेगी, तभी केंद्र में बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी। तो यही कारण है कि बिहार और उत्तर प्रदेश को जो है बीजेपी खास तौर पर जो है महत्व दे रही है, और यही कारण है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का बिहार में कार्यक्रम भी बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। साफ तौर पर जेपी नड्डा ने जिस तरह से कहा है कि 2024 में 40 के 40 सीट जीतेंगे और 2025 में अपने दम पर सरकार बनाएंगे, ये साफ तौर पर कहा जाए कि इसके बाद जो है राजनीति बिहार में तेज हो गई है, राजनीति यूं कहें गर्म हो गई है। अब जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है कि जब बीजेपी खुद कह रही है कि किसी को कंधे पर नहीं बैठने देंगे, तो और जो एनडीए के साथ जो तमाम दल हैं वो उनका क्या होगा, तो कहीं ना कहीं देखिए इस पर राजनीति आगे और बढ़ेगी। और ख़ास तौर पर जिस तरह से जेडीयू ने तंज कसा है कि 5-10 जो है 2005 और 2010 उसके चुनाव में किसके सहारे थे, तो कहीं ना कहीं देखिए अब आगे आने वाले दिनों में जो है चुनाव को लेकर राजनीति तेज होती दिख रही है, और जेपी नड्डा के जो बयान आए हैं उसको लेकर जो है राजनीति और भी तेज होगी। रुपेंद्र, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर एक तरफ जातिगत समीकरण को सटीक बिठाने की कोशिश हो रही है बिहार में, वहीं दूसरी ओर पहले अमित शाह आते हैं यहाँ पर हुंकार भरते हुए नजर आते हैं, अब जेपी नड्डा का आना, या फिर ये कहे सीधे तौर पर जो कमान है वो अपने नाम यहाँ पर कर लिया है। जेपी नड्डा की अगर बात करें, अमित शाह की बात करें, कहीं ना कहीं संकट मोचन की जो भूमिका है बीजेपी की वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह कि बिहार पर ज़्यादा फोकस है, क्योंकि अगर बिहार पर आपको राज करना है तो जातिगत समीकरण को सटीक बिठाना होगा, जिसकी कह सकते हैं कि शुरुआत यहाँ पर जेपी नड्डा ने भी कर दी है जिस तरीके से वो हुंकार भरते हुए दिखाई दिए। ठीक है, ज़रूर उनको ने जिस तरह से हुंकार भरा और तमाम चीज़ें हैं जिससे जातिगत जनगणना जिस तरह से रिपोर्ट आया, उसके बाद बिहार में राजनीति होने लगी, और जिस तरह से यादव जाति की जो संख्या है, चाहे ओबीसी की संख्या, ये तमाम चीज़ों को दर्शाया गया, तो उसके बाद तमाम जो पार्टियां हैं वो देखने लगी कि राजनीति अब किस मोड़ पर जा रहा है। और इस बीच जेपी नड्डा का आना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ख़ासतौर पर बात की जाए इससे पहले अमित शाह आए हुए थे, तो तमाम चीज़ें हैं, तो ये हनुमान की तरह जरूर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को फिर से जो है स्थापित करना चाह रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अभी संख्या में जिस तरह से सांसद उसके हैं, विधायक हैं, तो तमाम चीज़ें हैं, तो इसको और आगे बढ़ाएं, क्योंकि नीतीश जी पिछले बार थे, अब इस बार नहीं है, तो किस तरह से आगे जाया जाए। और बीजेपी ये चाह रही है कि 2024 में जिस तरह से बीजेपी को वोट मिले थे, जिस तरह से बीजेपी को सीटें मिली थी 2014 में, उसी तरह से जो है 2024 में भी हो और तमाम चीज़ें हो। जेपी नड्डा का आना और उनके द्वारा दिए गए बयानों के बारे में कि मैं यहाँ रहता था, सुशील मोदी थे, ये तमाम चीज़ें, तो अपने दर्शकों को बता दें कि जेपी नड्डा का जन्म जो है वो बिहार में ही हुआ था, पटना में हुआ था, उनकी पढ़ाई लिखाई भी पटना में हुई थी। ये कारण है कि जेपी नड्डा अधिक बिहार में आना चाहते हैं और उन यादों को ताज़ा करते हैं, और कहीं ना कहीं इसके कारण जो है वोटरों को लुभाने की कोशिश भी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कल कार्यक्रम हुआ उसको लेकर जो है जेपी नड्डा हो या बीजेपी हो, काफ़ी उत्साहित है, और ख़ासतौर पर जो है बीजेपी उसका जो है प्रचार प्रसार आगे जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज कर रही है, और कहीं ना कहीं जो है जातीय जनगणना का रिपोर्ट आया है उसके बाद जिस तरह से विपक्ष राजनीति कर रहा है। साफ तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि 2024 या 25 का भी अगर हम जिक्र करेंगे तो केंद्र कहीं ना कहीं बिहार बन चुका है, जहां पर पूरा फोकस है बीजेपी का और उसकी राह पर जेपी नड्डा दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया आपका रुपेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, जो कि बिहार में सियासत गर्मा गई है। औरंगाबाद से बड़ी खबर है, उबरा के लापता बीडीओ सकुशल लौटे हैं अपने